दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम बात करने वाले हैं इस समय चर्चा में चल रहे प्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद की। इसके विषय में कहा जाता है कि मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था। मंदिर को 14वीं सदी में हुसैन शाह सरकी ने ध्वस्त करवा दिया था। इसके विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इसका इतिहास जो है बड़ा ही विस्तृत है और इसमें कई सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। कण कण में शंकर की नगरी कहे जाने वाले काशी विश्वनाथ के मंदिर के निर्माण और ध्वस्त होने की जो यात्रा है वो भी बड़ी ही समानांतर है। अभिमुक्तेश्वर से विश्वेश्वर और विश्वेश्वर से विश्वनाथ महादेव का जो उल्लेख है वो पुराणों में भी मिलता है। आदि विश्वेश्वर शिव का काशी में अभिमुक्तेश्वर के नाम से ही वास था, जो लोक में विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण व काशी खंड में भी अभिमुक्तेश्वर को आदिलिंग माना जाता है। काशी खंड के अनुसार प्राचीन साहित्य और अभिलेखों के अनुसार सबसे पहले अभिमुक्तेश्वर शिव जी की ही प्रधानता थी। समय बदलने के साथ मुगल युग के पहले ही इनका नाम विश्वेश्वर हो गया था। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा बताते हैं कि तीर्थ चिंतामणि के पृष्ठ संख्या 360 में कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वर भी लोक में विश्वनाथ हो गए। 13वीं शताब्दी के आसपास से ही विश्वनाथ जी का वर्णन आरंभ हुआ है। विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और प्रदेश सरकार 1983 से इसका प्रबंधन कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार के मुखिया डॉक्टर कुलपत तिवारी के मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया था। इसके पहले 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने 1585 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा पंडित नारायण भट्ट के सहयोग से मंदिर में पन्ने का शिवलिंग स्थापित कराया गया था। शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा औरंगजेब के आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। शिवलिंग को बचाने के लिए महंत परिवार के मुखिया शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कूप में कूद गए थे। अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण के बाद 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोना दान किया था, जिससे मंदिर के शिखर को स्वर्णमंडित कराया गया था। जो बात कही जाती है तहखानों की, असल में उसके विषय में कहा जाता है कि तहखाने नहीं हैं बल्कि मंडप हैं। पूर्व महंत और डॉक्टर कुलपत तिवारी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की कार्यवाही के दौरान जिसको तहखाना कहा जा रहा है वह असल में प्राचीन मंदिर का मंडप है। इसमें एक ज्ञान मंडप, दूसरा श्रृंगार मंडप और तीसरा ऐश्वर्य मंडप है। इसी तरह से इसमें चौथा मंडप भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।